नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दूं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके बरसों के सपने पूरे होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे 555 साल बाद आया ऐसा महासंयोग जिससे कि अब आपके सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। हमारा आप सभी से बस इतना ही अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आखिरी तक देखें। अगर आपने जीवन के सुखों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरा सी भी मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस कर लिया तो कई मौके आपके हाथ से निकल सकती हैं और हाथ में आया मौका यूं ही गवा सकती हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि हम वीडियो के बीच बीच में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंतिम क्षणों में हम एक उपाय भी बता दिए हैं। अगर आपने यह उपाय पूरी शिद्दत से कर लिया तो और भी सोने पे सुहागा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं गुरु जी के एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जो हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई और जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय हो सांवरिया शेठ की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब आने वाले 3 दिनों की कि आपको वह कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह समय आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपको अपने कुछ घर की जिम्मेदारियों को भी समझना होगा और उन्हें समय रहते पूरा करना होगा। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर आपको संतान पक्ष की ओर से कोई निराशजनक समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे कि मन आपका थोड़ा सा व्यथित रहेगा, लेकिन आपको इस समय अपने मन को शांत रखना होगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपने जूनियर से काम निकलवाने के लिए उनकी कुछ गलतियों को भी माफ़ करना होगा, तभी आप उनसे अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर कोई सोने आभूषण की व्यापार है तो उनके लिए समय काफ़ी उत्तम है, काफ़ी बढ़िया है, हर तरह से उन्हें लाभ ही लाभ होगा। वहीं दोस्तों, अगर कोई लोहे या फिर कपड़े की व्यापार है उनके लिए भी समय काफ़ी उत्तम कहा जा सकता है। साथ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने किसी से धन उधार लिया हुआ है तो वह भी आपको बड़े आसानी से मिल सकता है और आपको किसी जोखिम भरे कार्य से हाथ डालने से पहले सोच विचार अवश्य कर लेना होगा, नहीं तो आपका संचित धन भी नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपके लिए उत्साह से भरपूर रहने वाला है और आप अपने हुनर और समझदारी से किए गए कार्यों में बखूबी धन कमाएंगे व लोगों का प्यार भी और दुलार भी आपको अधिक से अधिक मात्रा में मिलेगा और एक दूसरे का मान सम्मान मिलेगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय परिवार में छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे। यदि आप किसी सामाजिक योजना में धन का निवेश करने की सोच विचार कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको निराश स्थिति हाथ लग सकती है, इसलिए आप कहीं पर भी निवेश करने की प्लानिंग है तो अभी आपको टालना ही बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। साझेदारी में यदि आपने किसी व्यवसाय को चलाया हुआ है तो उसमें भी आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा और किसी भी विदेश में रह रहे परिवारजन से
कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो कि मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा, घर का माहौल खुशियों भरा रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपका यदि कोई मुकदमा कानून में चल रहा था तो उसमें भी आज आपको विजय प्राप्त हो सकता है। नौकरी में आपको आपका जूनियर आपसे धोखा कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर आपने यहाँ पर लापरवाही की तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। यदि आपने किसी से धन उधार लिया है तो आपको उसे चुका पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो वह भी आपके लिए समाधान निकल ही जाएगा। वही दोस्तों, आपको अपनी किसी डील को भविष्य को देखते फाइनल करना होगा, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। वही और दूसरी ओर आपको बता दें, आपका अपने किसी प्रिय मित्र से भी लड़ाई झगड़ा होने की आशंका लग रही है, और जीवन साथी ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने देकर जा सकती हैं। दोस्तों देखिए, अगर कोई वाद विवाद की स्थिति आए तो आपको उस समय सावधान और सतर्क रहना होगा, जितना हो सके मौन रहने का ही प्रयास करें तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, आपको बता दें, यह समय आपका जो जीवन साथी है थोड़े बहुत आपसे नाराज हो सकता है, जिसके कारण आपको उनकी कोई गलत बात भी माननी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा और एक दूसरे की बात को मानने का प्रयास करें, इससे जो है संबंध जो है आपके मधुर बने रहेंगे। और पारिवारिक बिजनेस में किसी अन्य व्यक्ति से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको सोच विचार करके काम करना होगा। देखिए, अगर कोई जातक बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उनके लिए समय का काफी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है, या फिर किसी इंटरव्यू आदि में आपका कोई काम चल रहा था तो उनका भी आपको रिजल्ट शुभ देखने को मिल सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ सरकारी नियमों के कारण परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको व्यर्थ की चिंता करने से बचना होगा। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए भी कोई बेहतर अवसर आ सकता है और उनकी बात पक्की हो सकती है। राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों को कोई नया फायदा मिल सकता है और आपको किसी के माध्यम से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अपने उम्मीदों से भी आप खरा उतरेंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें, यह समय पुराने मित्र से मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और आपके लिए खुशी की बात ये रहेगी कि आपके लिए वह एक नई सफलता की राज खोल सकती हैं। वही दोस्तों, आपको अपनी माता पिता के देव दर्शन की यात्रा पर लेकर जा सकती हैं और बिजनेस कर रहे लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से कुछ अच्छे सीख भी मिलेगा। धीमी गति से चल रहे व्यवसाय के लिए आपको अपने माता पिता व भाइयों से सलाह मशवरा अवश्य करना होगा, तभी आप उसमें और ज़्यादा सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ समस्याओं का व्यवधान करना पड़ सकता है, समाधान करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आप समय अनुसार चलेंगे तो आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों चलिए अब एक उपाय बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपको धन लाभ की तमन्ना है तो आप सफ़ेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगा दें और सोने कुएं पर या फिर किसी सुनसान जगह पर दीपक जलाने से शत्रु समन व अचानक धन प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, दीपक जो है रात्रि के समय या फिर शाम के समय जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।